प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द किचन बिस्ट्रो। आज मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी, यानी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए 3 कप्स मैदा चाहिए, ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट नमक, 1.5 टीस्पून ईस्ट खमीर, 1 टीस्पून शुगर चीनी, 2 टेबल स्पून ऑयल एंड 1 कप लूक वार्म वाटर नीम गर्म पानी। एक बाउल में थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। पानी ऐड करने के बाद शुगर ऐड कर लें और शुगर को अच्छी तरह मिक्स कर लें पानी में ताकि डिज़ोल्व हो जाए। चीनी डिज़ोल्व हो गई है, अब सॉल्ट ऐड कर लें और इसे मिक्स कर लें। सॉल्ट मिक्स हो गया है, अब ईस्ट डाल लेंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक बड़ा बॉल लें और इसमें मिक्सचर डाल लें। अब इस बॉल में मैदा डाल लें और इसे मिक्स करते रहें स्पून से। सारा मैदा डाल लेंगे और स्पून से एक बार मिक्स कर लें। स्पून से अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब इसमें ऑयल ऐड कर लें और हाथ की मदद से इसे मिक्स कर लें। ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और सॉफ्ट सी डो बना लें। थोड़ा सा और पानी ऐड कर लें, अब पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। अब स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। डो आपने बहुत ही सॉफ्ट रखनी है कि हाथों पे चिपकना शुरू हो जाए। ये देखें किस तरह से हाथों पे चिपक रही है, डो बन गई है। अब एक बॉल ले लें, बॉल में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे अच्छे से इसे ग्रीस कर लें। बॉल को ग्रीस कर लिया, अब डो को बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लिए। डो के ऊपर भी अच्छी तरह से ऑयल लगा लिए। अब इसे कवर करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रखते हैं। डो को मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए गर्म जगह पर कवर करके रख दिया है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। उतनी देर में हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। 1 टीस्पून क्रश रेड चिली, 1 टेबल स्पून जिंजर अदरक, 1 टेबल स्पून गार्लिक लहसुन, 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, 1 कप ऑफ योगर्ट दही, इसको मैंने बीट कर लिया है। इसके अलावा 1/2 टीस्पून सॉल्ट नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून क्यूमन पाउडर ज़ीरा, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी। अब इन सबको मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए पहले जिंजर ऐड कर लें,
गार्लिक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट हो सके तो फ्रेश यूज करें। स्पाइसेस ऐड कर लें ऑयल, योगर्ट और अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया, अब इसको कवर कर लें। चिकन को मिक्स करने के बाद मैंने इसे कवर कर लिया, अब इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि इसमें स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। 1 से 2 घंटे के लिए चिकन को फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब हम इसे कुक कर लेंगे। एक पैन ले लें और उसको गर्म कर लें, इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लें। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर लें। कुक करने के लिए ऑयल आप ज़्यादा ऐड ना करें क्योंकि हमने मैरिनेट करते वक्त ही ऑयल ऐड किया। चिकन ने जो पानी छोड़ा है इसको अच्छे से ड्राई कर लें। चिकन टिक्का कुक है, अब इसको किसी बोल में निकाल लें। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक लहसुन, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली, 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, 1 टेबलस्पून ऑफ केचप, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट नमक, 1/2 टीस्पून ऑफ ऑर्गेनो लीव्स। सबसे पहले हम टमाटर को बॉयल करेंगे। टमाटर को बॉयल करने के लिए एक बर्तन में पानी डाल लें, पानी को बॉयल कर लें। पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, अब इसमें टमाटर ऐड कर लें। टमाटरों को 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। ये देखें इसका छिलका उतरने लग गया। अब इनको किसी प्लेट में निकाल लें। अब हम टमाटरों को पील कर लेंगे। इस टमाटर की स्किन उतार ली है, अब बाकी टमाटर की भी स्किन उतार लें। इसी तरह से लास्ट वन की भी स्किन उतार लें। स्किन उतार ली है, अब हम इसके सीड डिस्कार्ड कर लेंगे। अब इनके हम सीड्स निकाल लेंगे।
सारे सीड्स निकाल लिए हैं, अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। अब टमाटर को ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बन गया है, एक पैन लेकर उसको गरम कर लें। पैन गरम हो गया है, इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लें। ऑयल को गरम कर लें। ऑयल गरम हो गया है, इसमें गार्लिक ऐड कर लें। गार्लिक को थोड़ा सा फ्राई कर लें। गार्लिक को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर लें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लें। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मिक्स कर लें। स्पाइसेस मिक्स करने के बाद केचप ऐड कर लें और इन सबको मिक्स कर लें। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इसका ड्राई सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए बिल्कुल ड्राई सा पेस्ट बन गया। पिज्जा सॉस रेडी है, अब इसे किसी बोल में निकाल लें। डो को तकरीबन मैंने 4 से 5 घंटे के लिए कवर करके रख दिया था। अब डो बिल्कुल तैयार है। पिज्जे की टॉपिंग के लिए हमें डो चाहिए, मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने से तकरीबन आप 2 घंटे पहले इसको फ्रिज से निकाल लें और उसके बाद आप इसे ग्रेट करें। मोज़रेला चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस चाहिए, तकरीबन मैं 1/2 कप पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक ऑलिव्स, टिक्का चिकन, 1 मीडियम साइज़ आनियन प्याज, 1 मीडियम साइज़ टमाटो, टमाटर 1/2 कप, मशरूम। इसके अलावा मैंने ग्रीन मिनी पेपर, येलो मिनी पेपर, ऑरेंज मिनी पेपर, रेड मिनी पेपर, ये तकरीबन 2 से 3 अदद। इसके अलावा ड्रेसिंग में मैं रेंच ड्रेसिंग यूज़ कर रही हूँ और 1000 आइलैंड यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। पिज़्ज़ा के लिए सबसे पहले डो की रोटी बना लेते हैं। मैदा डस्ट कर लेंगे। अब पिज़्ज़ा डो निकाल लें। पिज़्ज़ा डो का एक पेड़ा बना लें। पेड़ा बन गया, अब हम इसे रोलिंग पिन से रोल कर लेंगे। इसकी साइड चेंज कर लें। इसको रोटी की तरह गोल रोल कर लें। पिज्जा को रोटी की शक्ल में बेल कर लिया है। अब पिज्जे की बेकिंग ट्रे पर इसको डाल लें।
और इसको ट्रे के साइज का एडजस्ट कर लें। अब पिज्जा डो के एजेस पर ऑयल लगा लें, एजेस पर अच्छी तरह से ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद आप फोर्क से इस तरह से निशान लगा लें। अब हम इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगा लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मज़रीला चीज़ स्प्रेड कर लें। मज़रीला चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जिस तरह भी आपको पसंद हो। अब चिकन की लेयर लगा लें। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अब आप ऑनियन स्प्रिंकल कर लें, अच्छी तरह से चारों तरफ लगा लें। अब टमाटर की लेयर लगा लें। अब मशरूम्स की लेयर लगा लें। मशरूम भी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। मशरूम्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब ये मिनी रेड पेपर ऐड कर लें। मैं डिफरेंट कलर की बेल पेपर यूज़ कर रही हूँ ताकि पिज़्ज़ा ज़रा कलरफुल सा लगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एक कलर वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन पेपर्स बाद में ऐड करेंगे। अब ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर लें, ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अब हम ग्रीन पेपर ऐड करेंगे। अब रंच की लेयर्स लगा लें, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर लें, ऑप्शनल है। और साथ ही थाउजेंड आइलैंड। और एंड पे मोज़रेला चीज़ की फिर कोटिंग कर लें। चीज़ पिज़्ज़े में जितनी हो उतनी कम है, लेकिन अगर आप चीज़ इतनी पसंद नहीं करते तो आप कम डालें। अब इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह प्रेस कर लें।
पिज़्ज़ा तैयार है। मैंने ओवन को 350 फ़ारेनहाइट पर प्रीहीट कर लिया। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए बेक करूंगी। अब मैं पिज़्ज़े को 15 से 20 मिनट के लिए बेक करूंगी। ये देखें 15 से 20 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बेक हो गया है। अब मैं इसे बाहर निकाल लूंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बेक हुआ है, बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा तैयार है। अब मैं इसे नाइफ से कट कर लेती हूँ। बहुत ही मज़े का थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा तैयार है, ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।